उस दिन घर छोड़ के गया, आज तक लौट के नहीं आया। दस साल की उम्र में भागने वाले को आखिर कहां जाके ढूंढे मां? सुनने में आया कि किसी ने उसे आखिर बार मुंबई में देखा था। तुम्हारे बाबूजी ने भी खूब ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, उसी के गम में तुम्हारे बाबूजी चल बसे। मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं जिस देवी माँ की पूजा करती हूँ वो मुझे निराश नहीं करेगी। ए, तुम खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? यहाँ पर खून हुआ है, तुमने देखा क्या? मैंने देखा था सर। किसने किया? वो कितने लोग थे? मैं उसका नाम तो नहीं जानता सर, मैं इस शहर में नया हूँ। शक्ल देखोगे तो पहचान पाओगे? पहचान पाऊंगा सर। तुम्हारा एड्रेस क्या है? कहाँ करिए प्रस्थान? फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। फ्रेंड की बात छोड़ो, बैग में क्या है? क्लोथ्स एंड मनी। क्लोथ्स अंदर रखो, मनी निकालो। अरे ये क्या, पुलिस वालों की तरह रिश्वत मांग रहे हो? पिछले महीने तक मैं पुलिस वाला ही था, एक आदमी के सामने हाथ फैलाया, डिसमिस कर दिया। हाथ फैलाने के लिए डिसमिस कर दिया? जिसके सामने हाथ फैलाया वो कमिश्नर था ना। कमिश्नर? क्यों नहीं समझे, मफ्ती में आए थे और मैं फंस गया। पुलिस कहते हो और कद में इतने छोटे हो। पुलिस ज्वाइन किया तो लंबा था, ड्यूटी में हेरा फेरी करके छोटा हो गया। तुम जितना भी फ्लैशबैक सुनाओ, मैं अपने बैग से मनी नहीं निकालूंगा। अरे कम से कम चिल्लर तो दो। मेरे फ्रेंड को कैसे बुलाना है मैं जानता हूँ, तू सामने से फंस जा। मदन लाल, पति मारी गई है क्या? अरे करुण जला बेशम कहीं का चड्डी पहने बिना कैसे जम कर रहा है देखो। मदन, ए विशाल, क्यों आया बे? चल हट। कब आया पूछने के बजाय क्यों आया पूछ रहा है? तू भी कोई दोस्त है? नहीं, लौट जाएगा क्या? कोई चांस ही नहीं। तुझे शर्म वर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। अबे छोड़ ना, मेरे यार। शहर कैसा लग रहा है? ये कोई शहर है? क्यों बे? खुद देख लिया ना, ट्रेलर ही कितना खतरनाक है, इसीलिए कह रहा हूँ उसी बस से लौट जा। चल। अरे, मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, उसको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अबे ओए 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 ओए, गांव से जो भी आता है या तो माशुका की तलाश में आता है या तो भैया को ढूंढने। मुझसे मिलने मेरे घर आज तक कोई भी नहीं आया। यार मदन, यहाँ पूछने से भाई मिल जाएगा क्या? जल्दीबाजी मत कर यार, यहाँ पूछने से तेरा भाई नहीं मिलेगा, सिर्फ पता मिलेगा। पता मिलेगा? हाँ। वो कैसे? क्या है कि शहर के तमाम लोगों का पता यहाँ पे दर्ज है, उनमें जितने भी नरेश है उनका पता लेकर जाके हम लोग पूछताछ करेंगे। चल। काम के टाइम पे भेजा क्यों चाट रहे हो? किसी तरह आपको हमारी मदद करनी होगी सर। इस शहर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं, इनमें से तुम्हारा भाई नरेश कौन है कैसे पता लगाओगे? सिर्फ यही नहीं, मेरी जानकारी में 2 ही नरेश हैं, एक तो है नेपाल नरेश, दूसरा भूटान नरेश। लेकिन तुम्हें किस नरेश की तलाश है ये भला कौन बता सकता है? ये सब क्यों? इतनी देर से तुम दोनों को झेल रहा हूँ, मेरा नाम भी नरेश है। कहीं यही मेरे भाई तो नहीं? अबे चुप कर। इस स्टील बॉडी का वो डेड बॉडी भाई हो सकता है क्या? सुन लिया, वैसे इसे भाई मान के गांव ले भी गया तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। हेलो, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों अपने भाई की तलाश में नहीं आए हो, ये जरूर किसी लड़ाई का चक्कर है। मुझे भरोसा है कि मेरा भाई मिल जाएगा। मुझे बहुत काम है भाई, मुझे माफ करो। हाय। रिश्ता गड़बड़ है,
अरे हाथ हटा। सर क्यों रे, सिग्नल ऑन हो गया और बीच रास्ते में खड़े खड़े क्या कर रहा तू? मुझे अभी तक सिग्नल नहीं मिला था सर। अरे ये लड़की कहाँ गई? क्यों रे, होटल पार्क बीच ये सब काफी नहीं है, अब बीच रास्ते में खड़े खड़े प्यार करने लगे? जरा पीछे मुड़ के देख कितना ट्रैफिक जाम हो गया है, लड़की पटाने के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक करके सीन खड़ा कर रहा है। चल मेरे साथ। सलाम काटता हूँ। चाबी दे दीजिए सर। चाबी दूंगा तो गाड़ी लेके भाग जाएगा ना? आप नहीं देंगे तब भी मैं गाड़ी लेके जाऊंगा ना। वो कैसे? ऐसे। ए, रुकना। धूप में चलने वाला आदमी पानी पिएगा और पुराने यार से मिलने वाला आदमी दारू पिएगा। करेक्ट पास। इतना ही नहीं मेरे जैसे को पिलाना भी है। ए, हर आने जाने वाले भिखारियों को पिलाने के लिए हमने कोई लंगर थोड़ी ने खोल रखा है। चुप रहना यार। सॉरी बॉस। दारू है, पानी भी है, लेकिन ग्लास नहीं है ना। सुपर। उसकी चिंता छोड़ दीजिए, I'm already prepared। ये लीजिए गिलास पानी के साथ। देख लिया, स्कूल जाने वाले बच्चे जैसे जेब में मोबाइल लेके घूमते हैं, वैसे ये किसी कचरे के डब्बा से किसी का फेंका हुआ जूठा गिलास लेके घूम रहा है। अरे यार चुप रहना यार, सब बुरा मान जाएंगे। क्या सब बुरा मानेंगे? तू उसके मुंह पे थूक या सर पे जूते मार, ये सुबह तक इधर बैठेगा और खाली बोतल को ढो के पिएगा, लेकिन बुरा नहीं मानेगा। बस तारीफ बहुत होगी, मटेरियल डालो बस। देख लिया, अब उसके लिए बेडाल। आए, मेरा भाई मिल जाएगा। आ, मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। मैं भी उसी यकीन पर नमक का ढेला ढूंढ रहा हूँ। ये क्या बक रहा है? ये क्या बोल रहा, ये खुद भी नहीं जानता। सातों जन्म तक तू ही मेरा दोस्त रहे यार, तू ही मेरा दोस्त। अरे मेरे यार, सात जन्मों में तुम जिस प्लाट में रहोगे मुझे भी उस प्लाट में वॉचमैन बनकर रहना है। लेकिन क्यों? मौत की दारू पीने के लिए जन्म जन्म की बात करता बेकार मुतना। कोई बात नहीं, इसको पकड़ ले। क्यों रे बदमाश हो, दारू पी के हंगामा कर रहे हो? इसीलिए कह रहा हूँ बैचलर को किराए पर नहीं रखना चाहिए। तो इन बैचलर लड़कों से अपनी बेटियों की शादी करा के हमें भी फैमिली वाले बना लो। व्हाट इज दिस? एक ही आवाज सुनाई दे रही है लेकिन बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा। ये कौन है हाफ टिकट? क्या मुझे हाफ टिकट कहते हो? गलत गलत, ये हाफ टिकट नहीं बिना टिकट है। मिस्टर ये हमारे एसोसिएशन का सेक्रेटरी है। सिक्योरिटी। पहले वॉचमैन को बुला के इन दोनों के गर्दन पकड़ के बाहर निकालने के लिए बोल रहा हूँ। हम दोनों को गर्दन पकड़ के निकालने से पहले इसकी टांग पकड़ के बाहर निकालो। क्यों जी, इनसे इस वक्त बात करना सही नहीं है। हाँ आंटी, हमारे सर पे नहीं चढ़ेगा लेकिन हम तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। ये लौंडिया कौन है? अरे पंडित को लौंडे समझ लिया, अब इसे काबू में करना मुश्किल है। छोड़ना यार, कान की तरफ टूट पड़ेगा। ए सच सच बता, तू भाई को ढूंढने के लिए आया या शहर घूमने के लिए आया है? क्यों क्या हुआ? और नहीं तो क्या, सुबह से ही तू गांधी मंडप, बीच, नेशनल पार्क, चिड़ियाघर, प्लानिटोरियम, ऐसा टूरिस्ट स्पॉट ही मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हो। मनमोहन देसाई की फिल्मों में ऐसी जगहों पर ही बिछड़े हुए भाई आपस में मिलते थे। हाँ अरे रुकना रुकना रुकना, ये कलेक्टर ऑफिस है। हाँ इसीलिए अंदर जाके। अंदर जाके? अबे ओए, 10 साल की उम्र में पड़ोस की लड़की का नाम अपने सीने में गुदवा कर भागने लगता है भाई, अब पढ़ के कलेक्टर बनकर समझ रहा है? तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है भाई? हमारे गांव का दामू यहाँ काम करता है, सोचा उससे कुछ मदद मांगू। ठीक है अंदर जाकर उसका भेजा खा, मैं गाली पा करके आता हूँ। जल्दी उसे बजाता है ना। बच्चों मेरा नाम प्रताप सिंह है, मैं भूल सभी किसी की चौकट पर नहीं पहुंचता। ये प्रताप सिंह अगर ठान ले तो भारत सरकार उसके पीछे खड़ी होगी। यहां हजारों लोगों ने खून होते हुए देखा लेकिन गवाही देने कोई नहीं आया। गवाही देने के लिए तुम आगे आए हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बुलवाना चाहता, जो तुमने देखा है वही बोलना, नहीं तो जो मर गया उसके तुम गवाह हो। अगर तुम मरे तो एक भी गवाह नहीं होगा। तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो, यह सब नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। उसी तरह तुम भी मुझसे अनजान बने रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। दिखने में अक्लमंद लगते हो
और अकलमंद यह है कि तुम मेरी शक्ल ही भूल जाओ। इसके बावजूद अगर तुम गवाही दोगे तो चले जाओगे, शहर छोड़कर नहीं, दुनिया छोड़कर। ये क्या नई समस्या है? अब तू अंदर कहाँ जा रहा है? तू जब से आया है प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रहा है, तू मेहरबानी करके अपने गांव वापस जा। ओए, मेरे भाई के बगैर मैं नहीं जाऊँ। तू उन दोनों के बारे में नहीं जानता, मेरी बात मान ले। अब क्या हुआ, उनके लफड़े में पड़ गया, ये प्रॉब्लम है ना? अब उनके लफड़े में नहीं पड़ूंगा, बस ना। प्रॉब्लम नहीं करूंगा, गाँव वापस नहीं जाऊंगा कह रहा, अब मैं इसे भेजूंगा कैसे? मेरे भाई को मैं खुद ढूंढ लूंगा, मुझे बाइक दिला देना यार। अरे ये क्या, मेरी बहन से शादी करने वाले दूल्हे की तरह तू मुझसे बाइक मांग रहा है? मेरी गाड़ी फाइनेंस कंपनी वाले कब उठाकर लेके जाएंगे मुझे ही पता नहीं है, तुझे गाड़ी कहाँ से लाके दूँ? कहीं भी जाना नहीं, बस यहीं पर है। क्या बोतल? नहीं स्कूटर, वो देखो। इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन ये स्कूटी क्यों दिखा रहा है? उस स्कूटी का मेरे साथ बहुत पुराना रिश्ता है। वो स्कूटी का रिश्ता नहीं, नानी का रिश्ता। ये ऊपर क्या देख रहा है? फ्लैशबैक में जा रहा है, तू भी ऊपर देख। हेलो हेलो, मैं राणा। हाँ बोल ना यार, क्या बात है? ऐसा क्यों बोलते हो यार? अबे तू जैसे लुच्चों के साथ ऐसे ही बात करना चाहिए। मेरे पैसे? पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, बैंक से निकाल लेना। पक्का? हाँ हाँ, मैं बैंक ही जा रहा हूँ। बालिका को मेकअप किसने डाला? मुझे टक्कर मार दी, टक्कर मार दी मुझे। ऐसे ही महाभारत में जब सीता तन्हा थी तब रावण आके रावण आके रात को कुत्ते को भगाने का काम करने वाले दो कौड़ी के वॉचमैन। तू पुराण की बात करता है, वैसे महाभारत में कहाँ थी सीता? सोसाइटी सेक्रेटरी ये शमशेर सिंह के होते हुए ये हंगामा कैसा? ये गंजा यहाँ पे क्यों आ गया? सारा दिमाग